अभी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। जैसे आपको नेचुरोपैथी में जल बताया गया था, तो उसमें वाटर थेरेपी बताई गई थी, और ये जो है नया चैप्टर भी है और नया टॉपिक है वाटर। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जैसे आपने वायु पढ़ा, वायु में बताया गया कि वायु कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, कैसे वायु को शोधित करेंगे, कैसे वायुजन बीमारियां होती है, वायु प्रदूषण क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़े हैं। तो उसी तरह से जल है, तो जल में क्या क्या चीजें हैं और कैसे जल दूषित होता है, दूषित जल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, या हम किस तरह से जल के ऊपर डिपेंडेबल हैं, और हमारे डेली लाइफ में पानी का कितना इम्पोर्टेंस है, और पानी को कैसे शोधित करेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले इस चीज को हम अपने दिमाग में बैठा लें कि बिना पानी के जीवन के बारे में सोचना ही असंभव सा फील होता है। कि जैसे अगर हम सोचे कि बिना पानी के अगर हम रह जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप बिना खाने की सोचे तो 8 से 10 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 3 से 4 दिन भी नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम पानी किस किस पर्पज में यूज करते हैं, जो मेन पर्पज या मेन उद्देश्य जो है कि किस तरह का पानी हम प्रयोग में ले सकते हैं। मतलब कि हमें अगर अपने पीने के लिए पानी चाहिए तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, या क्या क्या खासियत होनी, क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि वो फ्री फ्रॉम पैथोजेन होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई कीट या परजीवी नहीं होने चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी बाहरी परजीवी उसमें नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको अपने पीने में प्रयोग में ले सकते हैं, अपने प्रयोग में उसको हम ले सकते हैं। दूसरी चीज है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एजेंट्स। अगर पानी हमें पीना है तो उसमें कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्लीजेंट टू टेस्ट, मतलब कि पीने में अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको पी सकते हैं। दूसरी चीज वो दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए, और उसमें वो कलरलेस होना चाहिए, हमें उसे उसका कलर गंदा अगर दिखेगा तब भी हम उसे पानी उस पानी को नहीं पियेंगे। तो 3 बातें हमने बता दी। नेक्स्ट जो है यूजेबल फ्रॉम डोमेस्टिक पर्पज, और पानी को तभी हम प्रयोग में ले सकते हैं जब हमें ये पूरी तरह से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम इसको घर में प्रयोग में ले सकते हैं, या हम इससे कपड़े धो सकते हैं, या इससे नहा सकते हैं, तभी हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो 4 बातें अपने पॉइंट वाइज आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि वाटर को अगर हमें प्रयोग में लेना है तो हम 4 चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हिंदी में लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं, कि वो परजीवी मुक्त होना चाहिए, कोई भी कीटाणु या कोई भी दूसरे परजीवी अगर पानी में है तो हम उसको प्रयोग में नहीं लेंगे। दूसरी चीज है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एजेंट, मतलब कि रसायन मुक्त होना चाहिए, कोई भी रसायन उसमें नहीं होना चाहिए, अगर रसायन हार्मफुल है, हानिकारक है, तो हम उसे प्रयोग में लेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो हमें ये ध्यान में देना है कि कोई भी पानी अगर हम पीने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, या अपने डोमेस्टिक यूज के लिए ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी केमिकल ना हो। नेक्स्ट जो है प्लीजेंट टू टेस्ट, अगर पीने में अगर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पीने में अगर पानी अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी हम उसे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज उसमें बताया गया कि ऑर्डर स्मेल नहीं आनी चाहिए, मतलब कि वो दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए, पानी का जो दुर्गंध है वो नहीं आना, मतलब कि वो स्मेल नहीं होनी चाहिए उसमें से, तब भी हम उसे प्रयोग में नहीं लेंगे। अगर वो कलरफुल दिख रहा है, गंदा अगर उसका रंग दिख रहा है, तो हम उसको प्रयोग में नहीं लेंगे। और नेट जो है यूजेबल फ्रॉम डोमेस्टिक, हम जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि नहीं ये घर में प्रयोग करने लायक है, तो तभी हम उसको प्रयोग में लेंगे, नहीं तो हम उसको प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो ये तो था कि हम पानी को कैसे अपने प्रयोग में ले रहे हैं, कि किन किन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, तब जाकर के हम उसे प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो कि हम वाटर को किस किस तरह पे या किस किस जगह पे हम प्रयोग में ले रहे हैं, किस किस जगह पे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग होता है वो डोमेस्टिक है, मतलब कि हम घर में सबसे ज्यादा पानी का प्रयोग करते हैं। पहली जो हमारी जो प्राथमिकता है पानी से, पानी हमें सबसे पहले घर में ही चाहिए, क्योंकि हमें टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, बाथिंग करनी है, नहाना है या पीना है, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है, और हम पूरी तरह से पानी के ऊपर डिपेंडेबल है। दूसरी जो चीज है पब्लिक यूज, पब्लिक यूज के लिए भी पानी का बहुत बड़ा स्रोत चाहिए। जैसे बस स्टैंड पे आप हो, रेलवे स्टेशन पे हो, वहां पे भी अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाते हो, तो आपको पानी की जरूरत पब्लिक प्लेसेस पे भी है, पब्लिक यूज के लिए भी आपको पानी की जरूरत है। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल पर्पज है, मतलब कि औद्योगिक यूज के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। तो हम पहले ही आपको बताए हैं
कि जैसे औद्योगिक पर्पज में जैसे लिक्विड बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है वहां पे लिक्विड तैयार करने के लिए पानी की जरूरत होती ही है, तो बिना पानी के हम लिक्विड बेस्ड इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। पेप्सी कोला जो भी चीजें हैं वो बनती हैं तो वो पानी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। और फिर नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर, बिना पानी के खेती तो असंभव ही है, हम बिना पानी के खेती कर ही नहीं सकते, तो खेती करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। इरिगेशन सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, सिंचाई के समय हमें पानी की बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत होती है। और कहीं अगर हम देखें तो इस समय भी पानी की कमी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो पानी को दिमागी तौर से नहीं यूज करते। जैसे कि अगर आप पूर्वांचल को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, अगर आप पंजाब हरियाणा वगैरह वहां पे अगर जाए तो वहां के किसान धनी भी हैं और उन्हें सिंचाई का तरीका साइंटिफिकली तरीका जो है वो पता है कि जिससे पानी की वेस्टेज कम होगी और वो सिंचाई अच्छी तरह से कर भी लेंगे। और यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मेथड अभी भी चला आ रहा है, लोग क्या करते हैं पानी को पंपिंग सेट से खेतों में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। और अगर पंजाब वगैरह में देखें तो ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकल मेथड है जो भी है वहां पे वो लोग करते हैं। वो इसको हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको इरिगेशन जो होती है उसको अलग तरीके से हम आपको समझा देंगे। और नेक्स्ट जो है वो है पावर प्लांट। सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर से ही जनरेट होती है। जैसे वाटर से जनरेट का अगर प्रोसेस अगर देखें तो उसमें आपको सबसे पहले यह बताया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो सबसे पहले डैम चाहिए। डैम से पानी को क्या किया जाता है, एक जगह